तो चलिए मंसूर मंडी के अंदर आज जो लहसुन है उसका क्या भाव रहा है, कितनी आवक रही है, हमारे साथ जो व्यापारी है उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या आवक रही आज मंसूर मंडी के अंदर और क्या भाव रहा है? 20,000 बोरी की आवक हो गई आज वो मंडी में। लहसुन 3,000 से लेके ना 11,000 रुपये समथिंग बिका है। क्या वैरायटी, मतलब देसी और ऊटी दोनों आती है? ऊटी बिका अपने 8,000 से लेके 11,000 रुपये तक। अच्छा। और देसी बिका मीडियम में मीडियम 3,000 रुपये से लेके और ये अपने 9,000-10,000 तक। तो पिछले 2-3 दिनों देखे तो 2-3 हज़ार रुपये का, 3-4 हज़ार रुपये घट गए, कम हो गए। तो क्या कारण रहा इसका? आवकों का प्रेशर भी, वो बाहर भी डिमांड कम होती जाती है, डिमांड कम हो गई है और आवक ज़्यादा है, आवक भी ज़्यादा है, वो सभी मंडी भरपूर भरी हुई है। अच्छा, आज भी करीब कोई 1,000 वाहन बाहर खड़े हुए? हाँ, सब पूरी भरपूर भरी हुई मंडी। तो आवक ज़्यादा होने से और जो बाहर डिमांड है लहसुन की वो कम होने की वजह से जो 2-3 हज़ार रुपये का जो करेक्शन लहसुन में आया है, जो देसी लहसुन है वो करीब 9-10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बेस्ट क्वालिटी की है वो जा रही है, और ऊटी जो है वो 13,000 रुपये तक की जो बेस्ट क्वालिटी की ऊटी है वो मंसूर मंडी के अंदर विक्रय हो रही है। कहाँ से आया? झांझागढ़ी में नागदा तहसील है, उज्जैन जिले में। अच्छा, उज्जैन जिले से आया? हाँ, उज्जैन जिले में नागदा तहसील से। अच्छा, क्या लेके आए? मैं लहसुन लेके आया सर। कौनसी वाली लेके आए हैं? देसी लेके आया सर। देसी लेके आया। अभी क्या रेट चल रहा है पता चला? अभी 9-10 से अंदर ही है अभी तो। बेट भारी आप लोगों की जो है लागत, बेट भारी है? लागत नहीं, बेट भारी सर। कितना लगता है एक बीघा में? एक बीघा में करीब सर 30-35 हज़ार रुपये कुंटल, मतलब का तो बीज ही लगता है, और 20-25 हज़ार रुपये अदर खर्चा हो जाता है, दवाई वगैरह, मजदूरी, मतलब 50-60 हज़ार रुपये प्रति बीघे का खर्चा है। हाँ, और उसमें उपज कितनी होती है? उपज 10 के अंदर ही बहुत, आधे 50% किसान के तो 10 के अंदर ही हो रही है। 10 क्विंटल? हाँ, 10 क्विंटल के अंदर, और कोई अच्छा किसान है तो उसको 12-13-14 क्विंटल तक। अच्छा हो जाता है। हाँ, तो जो लागत है आपकी और जो मंडी में जो जिस तरह से विक्रय हो रही है लहसुन जी, क्या लागत बैठ रही है, मुनाफा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, बराबर ही है सर, देखा जाए तो मजदूरी मिल रही है खाली, ये है कि अगर उसका एक आदमी का अगर जो जोड़े वो एक बीघे में अगर खेती कर रहा है तो उसकी 500 रुपये रोज से एक दाढ़की मिल रही है। अच्छा, मजदूरी केवल मिल रही है, मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा? नहीं, नहीं मिल पा रहा, लाभ का धंधा नहीं हो, नहीं नहीं हो पा रहा। चलिए, एक किसानों का कहना है कि जो खेती जिस तरह से सरकार कहती है कि लाभ का धंधा होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, केवल एक मजदूरी मात्र किसानों को मिल रही है, क्योंकि जितनी लागत है एक बीघा में, जैसे किसान ने हमारा बताया कि 33,000 का बीज आता है, उसके अलावा मजदूरी वगैरह करके करीब 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खर्च आ जाता है, और उस लागत से 8-10 क्विंटल की जो लहसुन है उसमें पैदा होती है उसका जो रेट है, जो भाव है उनको मिलना चाहिए, वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है।